your maths master teacher at Vedantu. So today we are going to boom one marker question of understanding quadrilaterals. तो इस चैप्टर को भी लड्डू बना देते हैं, वन मार्कर क्वेश्चंस की चटनी बना देते हैं. So we are going to start with our pro subscription pitch. So in this मेरे बच्चों we have so many problems, right? While learning online, we face doubt issues, we want proper notes, test and assignment, competitive exams, preparation, schedule of your choice and a language according to you. तो guys क्या wait कर रहे हो? ये सारी की सारी problems आपकी solve हो चुकी है. क्या करना है? केवल pro subscription पे जाना है और उसका फायदा उठाना है और अपने favorite master teachers से classes लेनी है. Unlimited live classes, all micro and crash course, free performance report and personalized attention तो मिलती ही है. So visit this link vdnt.in/ydpro. The code which you have to use is ATPro to get the discount. तो मेरे बच्चों we have 3 discount offer right now: 1 month plan, 3 months plan and 6 months plan. If you haven't ever tried pro subscription, go for 1 month. You are going to love it. So use the coupon code ATPro to be a pro. चलो मेरे बच्चों, question number 1 on your screen. Classify each one of the following in the basis of simple curve, simple closed curve, polygon, convex polygon, concave polygon. तो यार मुझे ये सबसे पहले दिख रहा है कि ये simple तो है ना? तो simple ये हो गया, तो मैं लिख देती हूँ S. S for simple. Closed भी है ये, तो सिंपल क्लोज भी हो गया ये. अच्छा, तो क्या मैं इसको बोल सकती हूँ ये कॉनकेव है? क्यों? क्योंकि वन एंगल इज मोर देन 180, है ना? अच्छा, तो कैन आई से दैट दिस इज अ पॉलीगॉन ऑल्सो? डेफिनेटली. तो अच्छा, ये वाला बिल्कुल है सिंपल क्लोज्ड कर्व. ये बेटा ये क्लोज्ड कर्व तो है ही है, बट ये डेफिनेटली बिल्कुल भी आपका पॉलीगॉन नहीं है. पूछो क्यों? क्योंकि दैट शुड बी सिंपल क्लोज्ड कर्व. इट इज नॉट सिंपल कर्व. ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है. तो ये क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस. तो आगे चले मेरे बच्चों, कॉनकेव केवल 1 था. कॉन्वेक्स आपका सेकेंड पॉलीगॉन है, इसमें सारे के सारे आपके लेस देन 180 है. अच्छा, पॉलीगॉन आपका फर्स्ट और सेकंड हो गया और बाकी हमने डिस्कस कर ही लिया है. तो ये रहे आपके सोल्यूशन फॉर द प्रॉपर सोल्यूशन, हाउ यू आर गोइंग टू राइट डाउन इन योर एग्जाम्स. ठीक है, अगर एग्जाम्स में आता है इसको ऐसे प्रेजेंटेशन करनी है इसकी. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर हेक्सागन एंड अ ट्राइंगल. ट्राइंगल में तो 0, इसमें होते हैं 9 हेक्सागन में, और इसमें होते हैं क्वाड्रिलेटरल में 2, 1, 2. इसमें होते हैं 9, इसमें होते हैं 0. What is the sum of measure of angles of a convex quadrilateral? Convex quadrilateral होता है, चलो एक काम करते हैं, ABCD हमने convex quadrilateral लेट कर लिया. ठीक है, अब एक convex quadrilateral है ABCD, 4 साइड्स हैं, तो 2 ट्राइंगल आपके बन गए ADC, ABC. हमें पता है इसका भी सम, इन तीनों एंगल्स का सम ADC में 180 होगा और इसमें भी 180 होगा. तो 180 plus 180 is what? 360. So therefore the sum of angles of the quadrilateral would be 360 degrees. State the name of regular polygon of 3 sides, 4 sides, 6 sides. तो 3 side मेरे बच्चों आपको पता ही है क्वाड्रिलेटरल, इक्विलेटरल, ट्राइंगल होता है. ठीक है, आपको पता है रेगुलर पॉलीगॉन वो होता है जिसमें सारी साइड सारे एंगल इक्वल हो. तो 3 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल, नॉट नॉर्मल ट्राइंगल. अब 4 साइडेड स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में ही चारों साइड्स सेम होती हैं, चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं. और 6 साइडेड तो हमें पता ही हेक्सागन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक्स जी की वैल्यू निकालनी है. तो यार हमें सबको पता है क्वाड्रिलेटरल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री. तो सम कर दो, ये वाला एक्स माना हुआ है ना? तो एक्स की वैल्यू आ गई 360 माइनस 300. इन तीनों को सम करने के बाद तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको दे रखा है एक प्यारा सा 1 2 3 4 5 पेंटागन। तो पेंटागन के सारे इंटीरियर एंगल का सम होता है 540। तो 5x इज इक्वल टू 540। तो x की वैल्यू हो गई 540 डिवाइडेड बाई ईच दैट इज 5, तो हो गया 108। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको x की वैल्यू निकालनी है। इसमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, आराम से करना है। हमें पता है यहाँ पर ये एक लीनियर पेयर बन रहा है तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर भी एक लीनियर पेयर बन रहा है, यहाँ पर भी लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर कर करके हमें वैल्यूज मिल गई। तो हमें पहली वैल्यू मिली 55। यार अगर वो 55 है तो ये भी 55 है ना। अब ये 55 है, ये 55 है, तो 55 प्लस 55 इज इक्वल टू 110। अब 110 विल बी इक्वल टू x डिग्री बिकॉज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो ये दोनों हो गया इंटीरियर एंगल, ये हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों के सम के इक्वल होगा ये x। Next question, how many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 degree? तो each exterior angle is equal to sum of exterior angle divided by the number of angle. तो 24 degree each है, तो 360 divided by number of side, so that is nothing but 15 sides. ठीक है, अभी true false last question है। All rectangles are square. False, बिल्कुल भी नहीं। All squares are rectangle, but all rectangles are not square. All rhombuses are parallelogram. Definitely true. All squares are rhombuses and rectangle also. Very very true. All squares are not parallelogram. False, because all squares are parallelograms as opposite sides are parallel and opposite angles are equal to each other. So these are the questions answer given to you, and this is it for today. I am going to remind you one more time for the pro subscription because you have to grab this opportunity. We are the opportunity provider. You have to grab that. Okay, so go and click on that link which is given in the description box. अपना ग्रेड सेलेक्ट करो, आराम से पढ़ो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन क्या है। उसके बाद तसल्ली होने के बाद 1 month का प्लान ले लेना। बहुत ही अच्छा ऑफर है 80 प्रो, अपने कैप्टन का कोड यूज करके लेना। ठीक है, बिल्कुल आपको हेल्प करेगा डेफिनेटली। सो गाइज दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच मेरे पायरेट्स फॉर कमिंग टू दिस सेशन। आई नो योर टाइम इज रियली रियली प्रेशियस, इसीलिए मैंने ये फास्ट ट्रैक रिविजन रखा था। So thank you so much for coming to this session. बहुत मेहनत से बनाया है मेरे बच्चों। Hit the like button, share this video and subscribe to your channel Maths Pirates and be a pirate. So guys, we'll see you in the next session and see you very very soon. I really really miss you guys. I really miss you. So bye bye guys. We'll see you in the next session.